हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है फेरिंजाइटिस। बहुत सिंपल टॉपिक है, नाम से ही पता चल रहा है कि किसका ये इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन है, फेरिंग्स का। ठीक है, फेरिंग्स क्या होती है? जो कनेक्शन होता है नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी के बीच में। ठीक है, फेरिंग्स के तीन पार्ट होते हैं एज यू नो, नेजो फेरिंग्स, ओरो फेरिंग्स एंड लेरिंजो फेरिंग्स। ठीक है, तो ये जो फेरिंग्स होती है इसमें अगर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? फेरिंजाइटिस। ओके, अब इसमें जो सिम्टम या मेन लक्षण देखने को मिलता है वो में देखने को मिलता है पेन इन थ्रोट। ठीक है, यानी कि जब अगर फेरिंग्स में इन्फ्लामेशन होता है तो पेशेंट में सबसे पहला लक्षण क्या देखने को मिलता है? गले में दर्द। थ्रोट मीन्स जो गला होता है अपना, नॉर्मली अपन जो बोलते हैं थ्रोट को, उसमें पेन होता है। उसके लिए क्या टर्म यूज़ होता है? सोर थ्रोट। ओके, नेक्स्ट इसके बाद बात करें, नेक्स्ट जो ये लाइन है कि इट इज़ वेरी कॉमन बट रेयरली सीरियस कंडीशन। यानी कि ये एक कॉमन कंडीशन, यानी कि बहुत कॉमनली लोगों में देखने को मिलती है बट ये सीरियस कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, एंड यूजुअली अकर्स व्हेन वायरसेस और समटाइम्स बैक्टीरिया फ्रॉम ए कोल्ड साइनस इन्फेक्शन इन्वॉल्व द थ्रोट। तो आप याद कीजिए, जब मैंने आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाए थे जिसमें राइनाइटिस एंड साइनोसाइटिस, इसमें क्या बताया था कि जो नेजल कैविटी में या जो साइनसेज में जो इन्फेक्शन होता है वो मींस आगे चल के रीच भी हो सकता है, कहाँ पे पहुँच सकता है? फेरिंग्स में भी पहुँच सकता है और बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी पहुँच सकता है। तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, जो राइनाइटिस में या साइनोसाइटिस से क्या होता है, वहाँ से इन्फेक्शन कहाँ रीच आउट कर जाता है? फेरिंग्स में। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे भी इन्फ्लामेशन हो जाता है, कहाँ पे? फेरिंग्स में। ओके, मोस्टली ये वायरस की वजह से ही होता है, क्योंकि जो राइनाइटिस में जो कॉज होती है वायरल इन्फेक्शन ही होती है, साइनोसाइटिस में भी वायरल होते हैं बट कभी कभी ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद इसकी कॉजेज़ की बात करें तो फर्स्ट वन है वायरल इन्फेक्शन। तो जो 40 to 80% जो केसेस देखने को मिलते हैं फेरिंजाइटिस के, उसमें 40 to 80% कॉज कौन सी होती है? वायरल इन्फेक्शन। ओके, नेक्स्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि जो टोटल केस में से जो 15 से 30% केस देखने को मिलते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? बैक्टीरिया की वजह से। ओके, अब इसके बाद अगर इसकी जो अदर कॉजेज की बात करें कि और किस वजह से फेरिंजाइटिस हो सकता है, तो इसमें फर्स्ट वन आता है ओरल थ्रश। ओरल थ्रश ओरल कैविटी का इन्फेक्शन होता है। ठीक है, को किसकी वजह से होता है? फंगस की वजह से। कौन सी फंगस? कैंडिडा एल्बिकन्स। ठीक है, तो अगर माउथ के अंदर फंगल इन्फेक्शन हो गया तो चांस हो सकते हैं कि वो कहाँ स्प्रेड हो जाए? थ्रोट में। ठीक है, या फेरिंग्स में, और वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर दे। ठीक है, तो ये भी एक कॉज हो सकती है फेरिंजाइटिस की। नेक्स्ट कॉज की बात करें तो GERD यानी कि गेस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज भी एक कॉज हो सकती है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो स्टोमक के कंटेंट होते हैं वो कहाँ चलने लग कल सॉरी कहाँ रिफ्लक्स होता है उनका, या बैक फ्लो होने लग जाता है ईसोफेगस में। ठीक है, तो एज यू नो कि जो ओरोफेरिंग्स होती है वो किससे कनेक्ट होती है? फेरिंग्स ईसोफेगस से। एक तो लेरिंजो फेरिंग, तो एक तो लेरिंग्स से होती है और दूसरा ईसोफेगस। ठीक है, तो अगर ईसोफेगस से मान लो यहाँ से कंटेंट अगर आगे थ्रोट में रीच आउट हो गए तो उस वजह से भी क्या हो सकता है? फेरिंजाइटिस। ओके, नेक्स्ट कॉज क्या हो सकती है? पूर हाइजीन। अगर कोई पर्सन अपना हाइजीन मेंटेन करके नहीं रखता है या अपना माउथ क्लीन नहीं रखता है प्रॉपरली, तो उसमें भी माइक्रोबियल ग्रोथ होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉज हो सकती है लो इम्यूनिटी। अगर किसी पर्सन की इम्यूनिटी लो मतलब कम है
ठीक है, लो इम्यूनिटी है, तो क्या होगा उसमें असल में इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इसके बाद अगर साइनस सिम्टम्स की बात करें तो मेन सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, सोर थ्रोट या पेन इन थ्रोट, सेकंड फीवर, थर्ड वन हेडेक, फोर्थ वन यहाँ देखने को मिलेगा ईयर एक। सो अब ईयर एक कैसे देखने को मिलेगा, फेरिंग्स में इन्फ्लामेशन की वजह से। तो आप लोगों को पता होगा कि जो नेजो फेरिंग्स होती है वहाँ से एक ट्यूब निकलती है, ठीक है, जो कहाँ कनेक्ट होती है, मिडिल ईयर में, ठीक है, मिडिल ईयर और नेजो फेरिंग के बीच में ट्यूब कनेक्ट होती है जिसको बोलते हैं ईटी ट्यूब या एस्टेकियन ट्यूब, ठीक है। तो अगर अगर यहाँ पे फेरिंग्स में इन्फ्लामेशन हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, तो क्या होगा, चांस होंगे कि वो यहाँ से कहाँ रीच आउट कर जाए, मिडिल ईयर में, तो यहाँ से मीन्स ईयर में भी पेन हो सकता है। ओके, तो ईयर एक के लिए जो टर्म यूज़ होता है वो होता है ओटालजिया, ठीक है, ओटालजिया का मतलब होता है पेन इन ईयर। नेक्स्ट सिम्टम देखने को मिल सकता है डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग और स्वालोविंग, यानी पर्सन को बोलने में दिक्कत हो सकती है या स्वालोविंग में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और लास्ट सिम्टम इसमें देखने को मिलेगा स्वालो नेक एंड लिम्फ नोड्स, जो नेक होगी पर्सन की उसमें क्या होगी, स्वेलिंग हो जाएगी इन्फ्लामेशन की वजह से। दूसरा जो लिम्फ नोड्स पाई जाती है, जो टॉन्सिल्स वगैरह पाए जाते हैं, उनमें भी स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये इसके साइन एंड सिम्टम्स हो गए। नेक्स्ट इसके बाद बात करें डायग्नोसिस की, तो फर्स्ट वन इसमें पर्सन से हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, ठीक है, दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का, और थर्ड वन थ्रोट स्वैब कल्चर करेंगे जिसमें पेशेंट का जो थ्रोट है वहाँ से सैंपल लेंगे, ठीक है, जो म्यूकस सैंपल है वो लेंगे, उसको लेबोरेटरी में कल्चर कराएंगे, ठीक है। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो कॉज है इन्फेक्शन की उसको फाइंड आउट किया जा सके। ओके, नेक्स्ट इसके बाद इसका जो मैनेजमेंट है उसमें मेडिकल मैनेजमेंट है, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसके लिए क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स। ओके, कोर्टिकोस्टेरॉइड किस लिए देते हैं, इन्फ्लामेशन को ट्रीट करने के लिए। ओके, कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स का काम क्या होता है, ये इम्यूनिटी को सप्रेस करता है, सॉरी सप्रेस करते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन भी कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद इसमें ड्रग्स अगर फंगल इन्फेक्शन की वजह से कॉज हुआ है इन्फेक्शन, तो उसके लिए क्या देंगे, एंटी फंगल ड्रग्स। और लास्ट यहाँ पे एनाल्जेसिक्स देंगे, अगर यहाँ पे पेन की कंडीशन है तो पेशेंट को पेन रिलीव करना है, तो उसके लिए एनाल्जेसिक देंगे, या तो पीसीएम दे सकते हैं या आइबू प्रोफेन। ओके, थैंक यू।